21 मार्च 2024 ये वो तारीख है जिसे आम आदमी पार्टी के सभी नेता और कोई भी कार्यकर्ता शायद ही भुला पाए, क्योंकि इस ही दिन पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी के द्वारा गिरफ्तारी कर ली जाती है। मामला था दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाला। दरअसल ये आबकारी नीति बहुत ही ज्यादा अभी भी चर्चा में बनी हुई है, जिसे दिल्ली सरकार ने 2021 के जुलाई में लागू किया था, जो नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली प्रदेश में लागू हुई थी। लेकिन उस आबकारी नीति में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को भनक लगी कि उसमें बड़े स्तर पर राज्य सरकार के द्वारा घोटाला किया गया है। लिहाजा नरेश कुमार ने एक पत्र लिखकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अंदेशा जताया कि इस आबकारी नीति में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, जिसके बाद उस पत्र पर संज्ञान लेते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई को चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप की जांच के रूप में मांग की और फिर उस मामले में सीबीआई की जांच शुरू होती है। लेकिन कुछ महीने बाद ही आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली की नई आबकारी नीति को खत्म कर देती है और पुरानी आबकारी नीति फिर से अमल में ला दी जाती है। लेकिन तब तक इस मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी होती है और फिर जाकर के ईडी की एंट्री होती है। लेकिन सीबीआई जब इस मामले में एंट्री करती है तो वो धर पकड़ करनी शुरू करती है और आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी होने लगती है। इस बीच सबसे बड़ा नाम जो गिरफ्तारी की चपेट में आता है वो होते हैं दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उसके बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बीते साल की 26 फरवरी को गिरफ्तारी कर ली जाती है और उनकी न्यायिक हिरासत ईडी को सौंप दी जाती है 9 मार्च 2023 को। यानी कुल मिलाकर के नई आबकारी नीति मामले में घोटाले के आरोपों के चलते आम आदमी पार्टी के कई नेता लगातार फंसते चले जाते हैं और ये सिलसिला लगातार बढ़ता भी चला जाता है। इस सब के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तो होती है लेकिन उन्हें फिर कोर्ट से कतई भी राहत नहीं मिलती और उन्हें लेकर ही लगातार सवाल रहता है कि अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आखिर कब आएंगे। और इसी तरह करते हुए 4 अक्टूबर की तारीख आती है जब पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो जाती है। संजय सिंह की जब गिरफ्तारी होती है तो उसके अगले ही दिन यानी 5 अक्टूबर को उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी न्यायिक मांग के लिए पेश करती है, लेकिन वहां पर उन्हें झटका लगता है और उसके बाद से लगातार ही संजय सिंह जब कभी भी कोर्ट में पेश होते हैं लगातार उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी जाती है। इस बीच एक और तारीख आती है 30 अक्टूबर जब ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलावा समन के रूप में भेजती है, जहां उन्हें 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है लेकिन मुख्यमंत्री समन का जवाब नहीं देते, जिसके बाद सवाल ये रहता है कि आखिर सीएम समन पर पेश होंगे या अगले समन को भी नजरअंदाज करेंगे। दरअसल ईडी के नियमावली के अनुसार वो किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए जब बुलाती है तो उसे 3 समन भेजती है, यानी पहले समन पर अगर व्यक्ति पेश ना हो तो दूसरा समन भेजा जाता है और दूसरे समन पर भी पेश ना हो तो फिर तीसरा समन भेजा जाता है। लेकिन तीसरा भी अगर वो व्यक्ति नजरअंदाज कर दे तो ईडी कोर्ट के माध्यम से उक्त व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराती है और फिर उसे गिरफ्तार कर लेती है। यही सवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर था कि अगर तीसरा समन उन्होंने नजरअंदाज किया तो ईडी का क्या कुछ कदम होगा। लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल पर काफी विशेष अधिकार थे, जिसके चलते जल्द से उनकी गिरफ्तारी संभव नहीं थी। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी आरोप लगाना शुरू करती है कि वो चुनावों से डर गई है और विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार करवा रही है। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को ईडी समन भेजती जाती है और वो उसे नजरअंदाज करते जाते हैं। इसके बाद आखिरकार तारीख आती है 21 मार्च की, जब उनके आवास पर छापेमारी कर उन्हें ईडी गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद से आम आदमी पार्टी बीजेपी को लेकर और भी हमलावर हो जाती है और लगातार ही पार्टी के कई दिग्गज नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम तरीके से खुद को इस मामले से अलग बताने की कोशिश करते हैं। साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि वो यहां राजनीतिक दबाव हम पर बना रही है और हमारे नेताओं को जानबूझकर गिरफ्तार करवा रही है। इस बीच पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का एक वीडियो आया है जिसमें वो बीजेपी पर जमकर हमला करते नजर आए। जरा देखिए इस वीडियो में संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। आज बीजेपी ने दिल्ली के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो अधिकार दिया था कि 5 साल में एक बार दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर बैठेगा, वो अधिकार खत्म कर दिया। दिल्ली में भी चुनाव खत्म कर दिया और कहा कि नहीं, दलित का बेटा इस मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। बीजेपी ने कहा ना, दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठेगा।
ये मेयर की कुर्सी अपवित्र हो जाएगी अगर दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पर बैठेगा। और अपना एक मोहरा तैयार किया एलजी, भाजपा के एलजी ने कहा बगैर मुख्यमंत्री के सलाह के हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति नहीं कर सकते। यह भाजपा के एलजी का बयान है, याद रखिएगा। यह है वो पत्र जहां मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर, ये पत्र आपको दे देंगे अभी, जहां मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर सत्या शर्मा को नियुक्त किया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेयर के चुनाव में, बगैर मुख्यमंत्री के सलाह को माने हुए। दूसरी बात, दलित विरोधी भाजपाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, तुमने चंडीगढ़ में यही काम किया, चंडीगढ़ में भी एक सफाई कर्मी का बेटा जब मेयर की कुर्सी पर बैठने जा रहा था तो भाजपाइयों ने उसके वोट की चीर फाड़ करके, उसके वोट में गड़बड़ी करके चंडीगढ़ का भी मेयर एक सफाई कर्मी के बच्चे को बनने से रोका था। और इतना ही नहीं किया, एलजी ने पिछली बार 10 भाजपा के कार्यकर्ताओं को पार्षद नामित कर दिया, उसका भी कागज अभी आपको दे रहे हैं। ये 10 भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिनको पार्षद बना दिया। पूछो भाजपा के एलजी से कि मुख्यमंत्री ने जिन नामों को पार्षद नामित करने के लिए भेजा था उसके खिलाफ जाकर भाजपा के एलजी ने 10 पार्षद बीजेपी कार्यकर्ताओं को बना दिया। और मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा और सिर्फ पार्षद नहीं बनाया, भाजपा के एलजी ने इनको वोटिंग का अधिकार दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नामित लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के लिए, आदिवासियों के लिए संविधान में दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा चुनाव में दलितों को दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव जी के नहीं बल्कि भागवत के संविधान को लागू करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करके, आरक्षण खत्म करके देश के अंदर चुनाव खत्म करना चाहती है। तो देखा आपने यहाँ पर कि संजय सिंह पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते नजर आए और साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर फंसाया गया है और पार्टी के सभी नेताओं को फंसा कर कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश में बीजेपी जुट गई है। लगातार ये बात आम आदमी पार्टी और उनके कई नेता कार्यकर्ताओं द्वारा कही जा रही है। दरअसल संजय सिंह की गिरफ्तारी जब होती है तो उसके बाद पार्टी को और खुद संजय को लगातार झटके लगते हैं, लेकिन फिर एक तारीख आती है 2 अप्रैल 2024 की जब संजय सिंह को सर्वोच्च न्यायालय आखिरकार जमानत दे देता है। लेकिन उस सुनवाई में भी बड़ी भूमिका रहती है ईडी की। जब ईडी की तरफ से पेश हुए वकील से सर्वोच्च न्यायालय यह सवाल करता है कि अगर हम संजय सिंह को अब जमानत दे दे तो इससे कहीं आपको कोई आपत्ति तो नहीं, इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए वकील नकार देते और कहते हैं कि हमें संजय सिंह की जमानत से कोई आपत्ति नहीं है, लिहाजा 2 अप्रैल को संजय सिंह को आखिरकार जमानत देकर के रिहा कर दिया जाता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल बन रहे हैं कि उन्हें आखिरकार जमानत कब मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को भी अब 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चला है। ऐसे में यह बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का आम आदमी पार्टी राजनीतिक फायदा पहुंचाने की कोशिश पूरी तरीके से करने वाली है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली संसदीय क्षेत्र के अंदर या कहीं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिस तरीके से आम चुनावों का आगाज हो चुका है और दिल्ली में छठे चरण यानी 25 मई को मतदान होना
होना है सभी 7 सीटों पर। ऐसे में ये देखना अब अहम होने वाला है कि दिल्ली की जनता के मन में क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक मुद्दा बनकर बैठी हुई है, और अगर वो मुद्दा उनके मन में है तो उसे वो किस तरीके से देखते हैं। क्या वे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को इस ही तरीके से मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की नई आबकारी नीति लाकर के व्यापक स्तर पर घोटाला किया है, या फिर भारतीय जनता पार्टी चुनावों से डरकर वाकई में विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करवा रही है। यह चीज देखने को अब रहेगी कि आम आदमी पार्टी के द्वारा कही गई इस बात पर कितना दम और कितना विश्वास दिल्ली की जनता करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विचार जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली की जनता के मन में डाला गया, ये 7 लोकसभा सीटों के मतदाताओं को अब प्रभावित करेगा, उनके मत को प्रभावित करेगा कि आखिर किस सोच के साथ वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। अब देखना होगा कि पार्टी के दिग्गज और मुखिया अरविंद केजरीवाल को लेकर आगे क्या कुछ फैसला होता नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से आम चुनाव दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग से 2 महीने पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, ऐसे में पार्टी के जो तमाम नेता हैं दिल्ली की जो 4 लोकसभा सीट यानी जिन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां पर केजरीवाल अब प्रचार तो किसी भी हाल में अपने उम्मीदवारों के लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक और विषय चर्चा का ये बन गया है कि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होनी है, यानी कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर अगले साल मतदान होना है, और देखना अहम रहने वाला है कि उस वक्त अरविंद केजरीवाल क्या उससे काफी पहले ही जेल से बाहर आ पाएंगे, या फिर ईडी कोर्ट में तमाम दलील तमाम सबूतों के आधार पर यह साबित करने में कामयाब रहेगी कि वाकई में दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाला हुआ था। दरअसल जब से आबकारी नीति घोटाले की बात आई तभी से आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार इस मामले को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है, जिसमें कहीं ना कहीं उनका एक कदम यह भी माना गया, जब पार्टी ने जुलाई 2021 में आबकारी नीति को लागू किया था तो आखिरकार सितंबर 2022 में उसे रद्द क्यों किया, आखिर क्या ऐसा कारण रहा कि जब इस मामले में सीबीआई की एंट्री होती है और ईडी की एंट्री की यहां सबूत एक प्रकार से आम आदमी पार्टी को मिलने लगते हैं तो आखिर राज्य सरकार ने सीएम केजरीवाल की सरकार ने आबकारी नीति को वापस क्यों लिया, बड़ा सवाल यहां पर यह रहेगा। लेकिन अब क्या अरविंद केजरीवाल आम चुनावों से पहले बाहर आ पाएंगे, या फिर अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों तक भी वो जेल में रहेंगे, इस पर आपका क्या कुछ मानना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।